वंदे तुसावसिद्धे ध्रुवमचल मणोवम गदिं पत्ते वोक्षां समय पाहुड़ निर्मो सुद केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। समय सार ग्रंथादि राज की वाचना अपन ने प्रारंभ की है, अभी ग्रंथ प्रारंभ नहीं किया है। हम अपने मन को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस स्तर पर ये समय सार समझ में आने लग जाता है। मन शांत होगा तो चैतन्य का रस आ सकता है, और मन के शांत होने में सबसे बड़ा हेतु यदि कोई है तो वह है वस्तु स्वरूप का विचार। समय सार का सार जो लिखा है उसमें ये छंद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कह रहे हैं वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। कि मन को यदि विश्राम की स्थिति में ले जाना है, मन को यदि शांत करना है, तो उसका सबसे संक्षिप्त मार्ग है कि वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए। वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो मन शांत होता है, और मन शांत होता है तो रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम, उसको ही अनुभव कहते हैं। और ये अनुभव इतना महत्वपूर्ण है, इतना आवश्यक है कि हम इसकी जितनी महिमा गाएं उतना कम है। पंडित साहब तो ये लिखते हैं अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रस कूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें भाई। ये आत्मानुभूति इतनी आवश्यक है कि मानो यही चिंतामणि रत्न है, यही रस का भंडार है, यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। जिन्हें मुक्ति की पिपाशा हो, मुक्ति के जिज्ञासा हो, जिन्हें मुक्ति चाहिए हो, मोक्ष चाहिए हो, उनके लिए यह उपदेश है कि आप आत्मा की अनुभूति कीजिए, आपको यहाँ मोक्ष की अनुभूति होगी। मोक्ष कोई क्षेत्र का नाम नहीं है ना, ये तो उपचार से कह देते हैं। जिस मार्ग से राजा जाता है उस मार्ग को राजपथ कह देते हैं, जिस सड़क से, इसी में ग्रंथ में ग्रंथादि राज में उदाहरण आएगा, जिस मार्ग से पथिक जन लुटते हैं उपचार से कह देते हैं वो मार्ग लुटेरा है, वह मार्ग लुट जाता है, मार्ग का क्या लुटेगा। तो ऐसे ही जिसको हम मोक्ष समझ रहे हैं अपने दिमाग में, वो चंद्रमा का आकार बना के और तीन बिंदु रख के बहुत सारे सिद्ध विराजमान जहाँ हैं, वो तो क्षेत्रगत मोक्ष है। वो तो जिनको मोक्ष हो जाता है वे आत्माएं वहां रहती हैं। परमार्थ मोक्ष कहाँ होता है कि परमार्थ मोक्ष यहाँ होता है, जब सर्व कर्म बंधन की स्थिति मिट जाती है वहां मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। ये कौन सा मोक्ष है, शास्त्रों में इसे दृष्टि मोक्ष कहा है। कौन सा मोक्ष कहा है, दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष माने श्रद्धान्वय मोक्ष की अनुभूति करना। मुझे मार्ग मिल गया इसका मतलब आज नहीं तो कल मैं मुक्त हो ही जाऊंगा। किसको मोक्ष कहा है यहाँ, अनुभव को। अनुभव माने आत्मानुभूति। और क्या विशेषताएं कहीं देखिए,
अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास यह तीरथ की ठोर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर सासु, अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। अनुभव की केल यह काम धेनु चित्रावेल, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव समान न धर्म को और है, अनुभव समान न धर्म को और है, अनुभव समान न धर्म को। जब आंख बंद करके हम चैतन्य सदन में प्रवेश करेंगे, उस काल में जो धर्म होगा वैसा धर्म कहीं भी हो नहीं सकता है, उससे उत्कृष्ट धर्म कहीं संभव नहीं है। सर्वोत्कृष्ट धर्म की सिद्धि यदि करना है तो उसका सबसे सरलतम उपाय है कि आप आत्मानुभूति कीजिए। अंत पंक्ति में तो समझो पूरे भाव उड़ेल दिए हैं। ये लिखते हैं, अनुभव की केल यह काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। पंच अमृत का कौर समझे, पंचमृत का कौर माने, कौर माने क्या होता है, कौर माने होता है ग्रास, और उस ग्रास में एक अमृत हो, दो अमृत हो, तीन अमृत हो, चार हो, पांचों के पांच इस धरती पर पाए जाने वाले जो विशिष्ट पदार्थ हैं वे पांचों के पांच एक साथ हो, फिर आप उसे स्वाद लें, क्या कहें। अनुभव की केली है काम धेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव कर्म तोड़े, अनुभव क्या करेगा, कर्मों को तोड़ देगा। परम सो प्रीति जोरे, और क्या करेगा, परम तत्व से प्रेम बढ़ा देगा। अनुभव समान न धर्म को और है, इस धरती पर इस पूरे विश्व में जितने भी धर्म कहे जाते हैं उन सब में सबसे उत्कृष्ट कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम है अनुभव। बाकी सब तो सच में उपचार से धर्म कहे जाते हैं, वे अनुभव के सहायक होते हैं, वे अनुभव के सहचारी होते हैं, इसलिए उन्हें भी कह दिया जाता है। जैसे आप किसी विशिष्ट पुरुष के साथ किसी के घर जाओ और उस विशिष्ट पुरुष को जो चाय नाश्ता मिलेगा तो आपको भी एक प्लेट मिल जाएगा। अकेले आओगे तो आपको पहचानेगा भी नहीं, लेकिन विशिष्ट पुरुष के साथ में थे ना तो आपको पूरा मान सम्मान मिल जाएगा। ऐसा ही चैतन्य की अनुभूति के साथ में जो अन्य क्रियाएं होती हैं, जो अन्य भाव होते हैं, उन्हें भी उपचार से धर्म कह दिया जाता है, साथ साथ वाली चीज़ों को। देखो, अनुभव कर्म तोरे, अनुभव परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान ना धर्म को और है। अब बात करते हैं कि हमसे क्या भूल हुई कि हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसमें अपने स्वयं की भूलों को यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देखो, अपनो स्वभाव भूल जगत में फिर रहे हैं। जगत में क्यों घूमे हैं हम, अपने स्वभाव को भूलकर। एक उदाहरण दिया है, बड़ा सरलतम उदाहरण है और हमको ये जल्दी से जल्दी बात समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे कोई स्वान परो कांच के महल बीच, ठोर ठोर स्वान देखा भूसी भूसी मारो है। बानर जो मुट्ठी बांध परो है पराए वश, कूप में निहार सिंह आप कूद परो है। फटिक की शिला में विलोक गज आप अरो, नल की के सूब टाको कौन ध्यो पकड़ो है। तैसे ही अनादि को अज्ञानी भाव मान,
तैसे ही अनादि को अज्ञान भाव मान हंस अपनो स्वभाव भूल, अपने स्वभाव को भूलकर जगत में फिरा है। कैसे? देखिए, जैसे कोई स्वान परो कांच के महल बीच, जैसे कोई स्वान, स्वान अर्थात कुत्ता, वह किसी कांच के महल में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? ठोर ठोर स्वान देख भूस भूस मरो है कि जिधर देखता है उसे उधर कुत्ता दिखाई देता है। फिर क्या करता है? वो भौंकता है, फिर गर्दन इधर घुमाता है, इधर 10 कुत्ते को दिखाई देते हैं। फिर इधर क्या करता है? इधर भौंकता है, ऊपर देखता है, ऊपर 10 कुत्ते दिखाई देते हैं, वहां भौंकता है, नीचे देखता है, नीचे 10 कुत्ते दिखाई देते हैं, वहां भौंकता है। क्या होता है? भौंक भौंक के मरण को प्राप्त हो जाता है। किस बात का उदाहरण दे रहे हैं मालूम है आपको? हम संसार में किस रीति से परिभ्रमण कर रहे हैं, जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, जहां बात करते हैं, वहीं धीरे से भौंकने लग जाते हैं। जैसे कोई स्वान पर कांच के महल बीच ठोर ठोर स्वान देख भूसी भूसी मारो है, जैसे कोई कुत्ता कांच के महल में घुस गया हो और वहां अन्य कुत्तों को देखकर भौंक भौंक के मर जाता है। प्रश्न, वहां अन्य कुत्ते हैं या नहीं है? लेकिन इसे मौत मिल गई। और उदाहरण दिए हैं, देखो, बानर जो मुट्ठी बांध परो है पराए वश, बंदर होता ना बंदर, इसके साथ क्या घटना घट जाती है कि यह मटके में चने रखे हों और उसे दिख गए हों इस मटके में चने हैं, तो वो चने निकालने के लिए हाथ उसमें डालता है और फिर क्या करता है कि बाहर निकालता है, तो बाहर निकालते समय उसमें मुट्ठी भर लेता है तो वो अंदर हाथ फंस जाता है, तो उसको ये भ्रांति हो जाती है कि इसके अंदर कोई बैठा है जिसने मुझे पकड़ लिया है और वो वहां पराधीन बैठा रहता है, चने में इतना आसक्त है कि वो चने छोड़ नहीं सकता और बुद्धि ये काम करती नहीं है, तो मन क्या कहता है उसका? मानो किसी ने मुझे पकड़ लिया है। और देखो, कूप में निहार सिंह आप कूद पर्यो है, जैसे तुम जंगल का राजा कहते हो, बलशाली कहते हो, ताकतवर कहते हो, एक दहाड़ से सारे पशु पक्षी तितर बितर हो जाएं, यहां वहां भाग जाएं, ऐसी सामर्थ्य वाला कहते हो, ऐसी सामर्थ्य वाला सिंह भी मरण को प्राप्त हो गया। कैसे मरण को प्राप्त हो गया? कि उसने अपने जंगल के कुएं में झांक के देखा तो उसे दिखाई दिया, अरे ये तो मेरा इलाका है, ये तो मेरा एरिया है, यहां ये कौन दूसरा सिंह आ गया, पहले इसे खत्म करूं। तो उसके खत्म करने के लिए क्या किया उसने? कुएं में कूद गया। कौन खत्म हुआ? क्या क्या फटिक की शिला में विलोक गज आप आरो, और इस फटिक मणि की शिला में दूसरे हाथी को देख करके वो हाथी उसके बंधन में पड़ जाता है। नलकी के सूबटा को कौन धोपक रो है, और जो नलकी का सूबटा होता है बताओ उसको किसने पकड़ रखा है? नलकी का सूबटा माने, सूबटा माने तोता, तोते को पकड़ने के लिए लोग, पापी लोग जो संसार में अति परिभ्रमण करने की भाव रखते हैं, वे क्या करते हैं कि एक तार लेते हैं, उसके ऊपर पाइप लगा देते हैं, तोता आके उस पर बैठ जाता है और जैसे ही बैठता है वो पाइप घूम जाता है, अब उल्टा हो जाता है तो और पाइप को और कसके पकड़ लेता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो यहां ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों का उद्देश्य यह है, आप ये बताओ कि इन सब में गलती किसकी है। मामला समझ में आया अतुल भाई? इसमें गलती किसकी है? कुत्ता कांच के महल में घुस गया और कांच में महल में घुसने के बाद भौंक भौंक के मरण को प्राप्त हो गया। प्रश्न, उस कुत्ते को किसने मार डाला? एक बंदर था जिसने मटके में हाथ डाला
और वहाँ बैठा बैठा भूख से प्यास से तृषा से वहीं बैठे बैठे समझो मर गया वो, या दूसरे ने आके उसको पकड़ लिया उसको, तो वह बंधन में कैसे पड़ा? किसकी गलती बंधन में पड़ने में? मटके की, चने की, किसकी गलती? वो कुएं में जो शेर गिर गया उसमें किसकी गलती? वो हाथी जो पकड़ा गया उसमें किसकी गलती? वो जो तोते पकड़े गए हैं उसमें किसकी गलती? तो सबका सार क्या निकलेगा? तो उदाहरण तो दे दिए, अंतिम पंक्ति में कह दिया, तैसे ही अनादि को अज्ञान भाव मान हंस, वैसे ही अनादि से अज्ञान भाव की स्वीकृति द्वारा अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। अपने स्वभाव को भूलकर जगत में घूमता रहा है, भटकता रहा है, भ्रमण करता रहा है। एक एक पर्याय में कितने कितने काल तक ये जीव वहाँ उसी पर्याय के योग बुद्धि हो जाती है और उसी पर्याय के सुख दुख को वो भोगता रहता है। भोगता क्या रहता है? भुगतता रहता है। पंडित जी साहब टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ये लिखा है, एक इंद्रिय आदि के दुख वर्णन करते हुए, कि वे दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। हम और आपको तो अंदाजा भी नहीं लग सकता है क्योंकि वह व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है ना। अब ये पेड़ खड़ा हुआ है, कोई निकला उसकी डाली खींच गया, दोपहर में धूप तेज हो गई तो उनको तपना पड़ रहा है, पत्ते देखते देखते सूख जाते हैं खड़े खड़े, जंगलों के जंगलों में आग लग जाती है, कौन बचाए उन्हें? कौन उनके करुणा करे? कौन उन पर दया करे? कौन उनकी सहायता करे? हम अनादि से संसार में परिभ्रमण करते आए हैं और इस मनुष्य पर्याय को भी याद करें तो हमने जीवन भर अभी तक क्या किया है? या तो कुत्ते की तरह भौंके हैं, या बंदर की तरह पराधीन पड़े हुए हैं, या नलकी के सूबटा की जैसी हालत हो रही है। एक पेड़ छपा था गौमटसार ग्रंथ में, उसमें तो उसमें एक पेड़ खड़ा था और पेड़ को ऐसे करके एक आदमी पकड़े हुए हैं, ऐसे 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 पकड़ लिया। अब कह रहा है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। प्रश्न तो ये है, प्रभु तुझे बंधन में किसने डाला है? ये रहस्य समय सार खोलता है। जगत में बात ऐसी चलती है कि कर्मों ने मुझे बांध रखा है। कड़वी सच्चाई ये है, भले आदमी तूने कर्मों को बांध रखा है। नहीं समझ में आया? कर्मों ने मुझे बांध रखा है कि मैंने कर्मों को बांध रखा है? मोक्ष की परिभाषा दी है पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, सर्व कर्मों का मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। किसका मुक्त हो जाना? कर्मों का मुक्त हो जाना मोक्ष है। कर्मों का मुक्त हो जाना किसका मोक्ष है? जीव का मोक्ष है। मुक्त कौन हुआ? देखो मैं इसको और सरल कर देता हूं। इस लोक में कारमाण वर्गणाएं खूब ठसाठस भरी पड़ी हैं। जीव ने क्या किया? उनमें से कुछ वर्गणाओं को अपने पास रख लिया, इसलिए ये संसारी कहलाया। अब इसे मुक्त होना है तो क्या करे? कि जो बांध रखे कर्म हैं उन्हें छोड़ दे। तो कर्मों को मुक्त करेगा तो कौन मुक्त होगा? ओहो, जैसे एक पुलिस वाले ने किसी अपराधी को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अपराधी को पकड़ के बैठा है और उसका बड़ा ऑफिसर कह गया कि इस अपराधी को छोड़ना मत। क्या कह गया? इस अपराधी को छोड़ना मत। प्रश्न, बंधन में कौन कौन पड़ा? बंधन में कौन कौन पड़ा? अकेला अपराधी बंधन में है? वो पुलिस वाला जिसने अपराधी को पकड़ रखा है वो भी बंधन में है क्या नहीं है? उसको भूख लगे तो वो लोग खाना खाने जा सकता है क्या नहीं जा सकता है? उसे प्यास लगे पानी पीने जा सकता है क्या नहीं जा सकता है? उसे और कुछ
शरीर की आवश्यकताओं की आवश्यकता हो तो वह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। क्यों? उसने अपराधी को पकड़ रखा है ना, तो दिमाग ये कह रहा है कि अपराधी को पकड़ रखा है माने अपराधी बंधन में है। भले आदमी जिसने पकड़ रखा है वो भी उसी तरह बंधन में है, तो मैंने कर्मों को बांध रखा है। तो हमें क्या कहा, हमने भाषा क्या प्रयोग की कि कर्मों ने मुझे बांध रखा है। सच्चाई क्या निकली? कर्मों ने कहां बांध रखा? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। अग्नि को कोई क्यों चाटा मारेगा? अग्नि की पिटाई कोई क्यों करेगा? अग्नि को हथौड़े से कोई क्यों कूटेगा? वो लोह की संगति करती है अग्नि, तो अग्नि की ठुकाई होती है, पिटाई होती है। किसकी? अग्नि की। हो किसकी रही थी? लोहे की। तो ऐसे ही कर्मों की क्या गलती है जरा बताओ तो सही। ये बहुत पेचीदा विषय है कर्मों का, कर्मों के बंधने का, कर्मों के सत्व में रहने का और कर्मों के छूटने का। कितने ही जीव तो कर्मों को ही ईश्वर की तरह सर्वे सर्वा मानकर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इन कर्मों की कृपा होगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। कितने ही जीव ये कहने लग जाते हैं कि भैया कर्म चाहेंगे तब मैं मोक्ष चला जाऊंगा, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं क्या कर्म में चाहने की सामर्थ्य है भी या नहीं है, ये बताओ। कर्म बने किस चीज के हैं? तो जवाब आएगा भी तो पुद्गल के बने हुए हैं। पुद्गल में कहाँ ये सब चीजें हैं? है क्या पुद्गल में चाहना नहीं चाहना? वहां तो संभावना ही नहीं है चाहने नहीं चाहने की, लेकिन फिर भी उन्होंने जीव को बंधन में डाल रखा है कि सुनो, जीव को उनने बंधन में नहीं डाल रखा है, जीव ने उनको बंधन में डाल रखा है। तो फिर जीव को सुख दुख क्यों होता है? अरे कमाल करते हो भाई साहब, आप अग्नि को छाती से लगाओगे तो ठंडक मिलेगी गर्मी मिलेगी, और कहोगे अग्नि ने मुझे जला दिया। टोडरमल जी साहब ने इतना सरल उदाहरण दिया है कि यहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है और मैंने उठा के अपने सर पे फोड़ लिया, क्या हुआ? खून निकल आया। चार छह लोग तुरंत आ गए, क्या हुआ पंडित साहब, क्या हुआ पंडित साहब? तो मैंने रोते हुए कहा, इस पत्थर ने मेरे सर में दे दी। और लोगों ने देख के कहा, क्या बात तो सही है। क्यों बात सही है? क्योंकि जिस स्तर का चोट है ये पत्थर से ही लग सकती है, कोई हाथ से ऐसे माथा कूटे फट नहीं सकता है। और पत्थर पे भी कुछ खून लगा मिल गया मेरे माथे का, तो पत्थर रंगे हाथ पकड़ा गया। आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, पत्थर की कितनी गलती है? पत्थर को कितनी सजा दी जाए? कि प्रश्न तो यह है कि पत्थर को अपने सर पे मारा किसने? बोलो बोलो, मैंने ही मारा है। तो फिर पत्थर पे क्यों टूट पड़े हो भाई? पत्थर का क्या दोष है? ऐसे ही इस विश्व में जो कारमाण वर्गणाएं हैं या कर्म हैं, उनका क्या दोष है? तुमने खुद ने बांधा है। अभी ये समझने जैसा विषय है कि मुझे मुक्त होना है ना, तो कैसे मुक्त हूं? सात तत्वार्थ का विषय है पूरे समय सार में। जिसने ये सात तत्वार्थ समझ लिए, समझ लो उसका कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि ये प्रयोजन भूत तत्व है। और प्रयोजन भूत तत्व उन्हें कहते हैं जिनकी सच्ची श्रद्धा ज्ञान के बिना मुक्ति ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, और जिनको इनकी सच्ची श्रद्धा हो उसका मोक्ष हो ही हो जाए। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने जब तत्वार्थ सूत्र लिखा और पहले नंबर का सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सबसे तुरंत बाद क्या लिखा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कि तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ था, तत्वार्थ माने क्या? कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये तत्वार्थ है, इनका श्रद्धान कर लो। तो इनका श्रद्धान कैसे कर लें? प्रश्न ये है हमारा, कैसे कर लें बताओ इनका श्रद्धान? इनके श्रद्धान की विधि बताओ। तो आचार्य कहते हैं कि इनका सम्यक ज्ञान करो। क्या करें इनका? सम्यक ज्ञान करो। तो सम्यक ज्ञान करेंगे तो क्या होगा? तो श्रद्धान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पहले तो ये समझ लो कि हम भटक क्यों रहे हैं। सात तत्वों को समझाने में एक नाव का उदाहरण दिया जाता है।
मैं उसका सिर्फ एक हिस्सा आपको बताना चाहता हूँ। ये हिस्सा कि नाव जब पानी में डूबती है तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि उस नाव को डुबाता कौन है। तो यदि आपने फोटो वीडियो देखेंगे तो आप फटाफट से बोल देंगे सब पानी ने नाव को डुबो दिया है, क्योंकि पानी अंदर भर गया था और पानी की वजह से नाव डूब गई थी। लेकिन थोड़ा भी विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा ये कारण ठीक नहीं है। पानी ने नाव को नहीं डुबाया है। यदि पानी नाव को डुबाता तो एक भी नाव समुद्र पर, नदियों पर तैर नहीं सकती थी, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं थी, वो एक सेकंड में डुबा देता। तो फिर क्या प्रश्न आएगा कि नाव जो डूबी है वो स्वयं के कारण से डूबी है। ये जवाब भी ठीक नहीं है। क्यों? नाव डूबने के काम नहीं आती है, नाव तो तिरने के काम आती है। ध्यान रखना, एक एक शब्द आपको तुरंत लाभ होगा। नाव डूबी, प्रथम दृष्टया हमको क्या लगा? पानी ने नाव डुबो दी। विचार विश्लेषण किया तो क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया? कि नहीं साहब, पानी ने नहीं डुबाई है। पानी अगर डुबाए तो एक नाव ना चल पाए। क्यों डूबी नाव? कि साहब उसकी अपनी गलती है। फिर विचार विश्लेषण किया कि सुनो, उसकी अपनी कोई गलती नहीं है। नाव अपराधी कहोगे, नाव को अपराधी करोगे तो नाव को जेल में डाल दोगे, नदी के पार कौन ले जाएगा? मैं अपनी 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 आत्मा की गलती अगर कहेंगे, आत्मा के कारण से कहेंगे, तो फिर आत्मा तो तैरने के काम आती है भाई साहब, आत्मा डूबने के काम नहीं आती है। नाव ने नाव को नहीं डुबाया है, तो पानी ने नाव को नहीं डुबाया है, नाव ने नाव को नहीं डुबाया है, तो डुबाया किसने? कि यहां तीसरी चीज थी, एक थर्ड पार्टी। कौन सी तीसरी चीज थी? कि वो जो नाव में छेद था ना, वो छेद नाव के डूबने का असली कारण है। हम या तो पानी पे गुस्सा उतार रहे हैं या नाव पे गुस्सा उतार रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि ना पानी का दोष है ना नाव का दोष है, नाव तैरने के काम आती है, पानी उसमें सामान्य सहचारी है, असली कारण नाव जो डूबी है वो उसमें जो छिद्र हुआ है उसके कारण से नाव डूबी है। अब देखा कितने छेद हैं, बोले पांच छेद हैं इसमें, पांच छेद है नाव में। एक बहुत बड़ा छेद है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है। तो भागवत जी, सबसे पहले कौन सा छेद बंद किया जाए? छोटे छोटे पहले कर लेते हैं, जल्दी हो जाएंगे, फिर समय मिलेगा फिर बड़ा छेद बंद कर लेंगे। आपका क्या आइडिया है बेटा? पहले बड़ा छेद बंद करें? अरे बड़े में बहुत मेहनत लगेगी, समय लगेगा, ताकत लगेगी, छोटा काम पहले निपटा लो ना। कठिन सवाल पहले हल करना चाहिए, सरल सवाल पहले हल करना चाहिए? अब डिपेंड करता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि अनपढ़ है। अनपढ़ होगा तो कहेगा भैया सरल सरल निपटा लो, 40-50 से ऊपर आने नहीं है, पास हो जाए इतनी बहुत है, अगली कक्षा में पहुंच जाए पिताजी खुश रहेंगे। होशियार होगा कि पहले अपनी नई एनर्जी को, ताजा मस्तिष्क को उन सवालों पर लगाओ जिसमें बहुत उपयोग लगता है, ये तो फटाफट लिख देंगे, लास्ट लास्ट में भी इसमें क्या दम है। तो बात यही यहां वापस आ गई कि जो पांच छेद हैं जिनको शास्त्रों में, एक का नाम मिथ्या दर्शन है, एक का नाम अविरति है, एक का नाम प्रमाद है, एक का नाम कषाय है, और एक का नाम योग है। हम कहां से शुरू करते हैं? योग से। सबसे पहले मन वचन काय को कंट्रोल में करना चाहते हैं, बोलो मत, बैठ जाओ, शांत रहो, तो वो दो सेकंड में हो जाता है। फिर थोड़ी कोशिश करते हैं कषाय हमारी ठंडी रहे, फिर हम प्रमाद तक पहुंचते हैं, फिर सोचते हैं आप कुछ छोड़ छाड़ दे रहे, अब कुछ व्रत ले ले रहे, और सबसे लास्ट में नंबर आता है मिथ्यात्व का, तब तक आयु पूरी हो जाती है और आप निकल जाते हैं। आचार्य भगवान सलाह देते हैं, सबसे पहले से पहले मिथ्यात्व का नाश कर, सबसे पहले से पहले जो बड़ा छेद है नाव में जिससे पानी डूब रही है उसको बंद कर। और कुछ होशियार तो ऐसे उठते हैं तो छेदों पर विचार ही नहीं करना चाहते, वो तो बिल्कुल ऐसे बाहें कपड़े से चढ़ाकर, पैंट ऊंचा करके, बाल्टी लेके पानी को निकालने में लग जाते हैं।
क्यों? अगर पानी को नहीं निकाला तो नाव डूब जाएगी। तो दिन भर पानी को, खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, बैठ नहीं रहा है, विश्राम नहीं कर रहा है, दिन भर पानी को बाहर निकाल रहा है, बोलो इसकी नाव डूबेगी कि बचेगी? जनता देख के ऐसी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति, पब्लिक पूरा भीड़ ऑडियंस ऐसे कह रहा है, और गजब हो गया, सुबह से लगा है भाई साहब, एक दाना खाने का नहीं खाया है इसने, एक दाना पानी नहीं पिया है, कितनी मेहनत कर रहा है। अब ऐसी मेहनत करने वाले को नाव नहीं बचेगी तो किसकी नाव बचेगी? बोलो सही बात है। फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे कहाँ? यदि छिद्र बंद नहीं हुआ है तो सारी मेहनत मशक्कत पानी में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो प्रथम से प्रथम क्या करना? अनंतानंत कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी है भाई साहब, कर्मों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। और आत्मा का अपमान इसलिए मत करो कि ये आत्मा ही तुम्हें मोक्ष ले जाएगी, इसी के आश्रय से मोक्ष तत्व प्रकट होने वाला है। तो दिक्कत कहाँ है कि इस आत्मा की दिक्कत नहीं है और कर्मों की दिक्कत नहीं है, इस आत्मा में जो छेद है उनकी समस्या है, तो उन्हें रफू करवा लो ना भाई साहब। शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी जो पहले कहे आए थे, कौन सा? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। के वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा, उससे क्या होगा? मन विश्रांति को प्राप्त करेगा, उससे क्या होगा कि आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति अर्थात अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो हम क्या करें? चलो एक छंद और पढ़ते हैं, हम क्या करें। एक एक छंद, टाइटल तो आपको पता ही है ना सबको, क्या है? समय सार का सार। जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, आकृति विलोकत कहावे अगिनाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए, तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेसी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए, जाहि छिन्न चेतना शक्ति को विचार कर, ताई छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। इससे सरल और क्या समझाएं? जिन जीवों को लगता है ना समय सार कठिन है, सच कहता हूं इस धरती पर सबसे सरल ग्रंथ यदि कोई है तो उसका नाम है समय सार। मुक्ति मार्ग के पिपासु जीवों को ऐसे स्पष्ट, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कितने कितने उदाहरण देखे समझा रहे हैं, जैसे तृण काठ बांस आर ने इत्यादि, और ये नाम है ईंधन के, जो जो वस्तुएं जलाई जाती हैं जगत में उनके नाम हैं। क्या क्या जलाया जाता है? तृण, तृण माने तिनकों को, सूखे तिनकों को, घास को, सूखे पत्तों को, सूखी लकड़ियों को, ये तृण आ गया। काठ, काठ का मतलब समझती हो लकड़ी। बांस, बांस माने वो लकड़ी के ही भेद हैं, अलग अलग टाइप की लकड़ियां होती हैं बांस की लकड़ी। आर ने माने और समझ लो आप जितने समझ सकते हो, सारे ईंधन लगा लो, जो वस्तुएं जगत में जलाई जा सकती हैं वे सब समेट लो इसमें। आदि लिखा है ना, इत्यादि और भी कंडे हों या लकड़ी को जो आरा मशीन से छील छील के जो खपचियां बचती हैं वो हो, कुछ भी हो। ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, जब ये अनेक प्रकार का ईंधन अग्नि रूप से जलता है तब क्या होता है? आकृति विलोकत कहावे आगि नाना रूप, जब हम उसका आकार देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, तो वह अनेक रूप से कहलाने में आती है। कौन? अग्नि।
क्या कहलाने में आती है, ये अग्नि काठ की अग्नि है, ये अग्नि बांस की अग्नि है, ये अग्नि कंडे की अग्नि है, ये अग्नि तृण की अग्नि है, ये अग्नि, ऐसे अलग अलग नाम मिलते हैं उसको। लेकिन गहराई से देखोगे दिस एक दाहक स्वभाव जब गहिए, लेकिन जब हम उसके स्वभाव को ग्रहण करते हैं तो बोलो क्या दिखाई देता है, स्वभाव को ग्रहण करते हैं तो क्या दिखाई देता है, उष्णता 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 उष्णता। स्वभाव के नजदीक जाके देखेंगे वहां कोई भेद नहीं है, चंदन की अग्नि में हाथ डालेंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा और नीम की अग्नि में डालेंगे तो कड़वा कड़वा लगेगा, ऐसा भेद है भाई साहब, स्वभाव में कोई भेद नहीं है। ये तो समय सार की जब छठवीं गाथा पढ़ेंगे तो उसकी एक पंक्ति आएगी, क्या आएगी, अग्नि कृत अशुद्धता, वो ईंधन कृत अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है, उसी तरह से गेय कृत अशुद्धता आत्मा में नहीं आती है, ज्ञायक में नहीं आती है। हम जो टेंशन में आ जाते हैं, हमने ये देख लिया, हमने ये सुन लिया, हमने ये दृश्य देख लिए, हमने ये बात सुन ली, हमारी आत्मा मलिन हो गई, सुनो आत्मा का स्वभाव इतना निर्मल और पवित्र है, तीन लोक भी झलकेगा तो भी आत्मा मलिन नहीं होती है। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं, इतना सा भी उसमें नुकसान नहीं होता है, किस बात से, विश्व के पदार्थों को जानने से। ये चर्चा यथा समय होगी, अभी तो इतनी बात बता रहे हैं, कितनी, कि आप जो अग्नि को अलग अलग नाम से जानते हो, अलग अलग नाम से पुकारते हो, अग्नि की शक्लें अलग अलग आपको दिखाई देती हैं, स्वभाव के नजदीक जाके देखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, तैसे नव तत्वों में भयो है बहु भेसी जीव, ऐसे ही नौ प्रकार के तत्व हैं। अरे भैया अभी सात थे, अभी नौ हो गए, हम जैसे तैसे तो सात याद किए थे, याद है कि नहीं बेटा, हाँ बोलो कौन से, पहला जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, नैया डूब गई, चलो भैया और कोई उम्मीदवार, और कोई उम्मीदवार, सात तत्व, हाँ विमला चाची बोलो सात तत्व, मुस्कुराओ नहीं बोलो, यहाँ विद्यार्थी बन के बैठते हो, हाँ एक बात, अपने अपने घर में एक एक खाली कॉपी रखो, फंडामेंटल अगर स्मरण नहीं रहेंगे, बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, तो हम जो महल तैयार करेंगे ना सात तत्व का, और सबसे बाद में जब रिजल्ट में मोक्ष तत्व आपको उपलब्ध होगा सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार में, वो मोक्ष तत्व से भी भिन्न भगवान आत्मा जब हम आपको दिखाएंगे तो वो तब दिखेगी जब हमें उसकी भाव भासना होगी। समय सार जब शुरू करेंगे तब सारी चर्चाएं आएंगी, यहाँ हम बीच बीच में हिंट देते जा रहे हैं, दो चार दिन की कथा है, उसके बाद तो समय सार चलेगा एक एक शब्द से एक एक अक्षर से, ये सब प्रिपरेशन के लिए चल रहा है ताकि आपका मन तैयार हो जाए कि समय सार शुरू होने वाला है। समय सार जब अवतार लेगा, अथ सूत्र अवतार, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जब सूत्र का अवतार होगा तो मेरा जीवन कैसा मांगलिक होगा बताएंगे। यहाँ तो ये बता रहे हैं तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेसी जीव, कौन से नव तत्व में, कौन से नव तत्व में, सात थे ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सात तत्व हम और आप सबने पढ़े सुने हैं, इसमें दो और जोड़ दो, कौन से दो और जोड़ दो, पुण्य और पाप, दोनों मिलके कितने हो गए, नौ। तो नौ तत्व में बहु भेसी जीव क्या मतलब है, क्या मतलब इसका अर्थ क्या है, बहु भेसी को हिंदी में बोलते हैं बहुरूपिया, बहुभेसी माने बहुरूपिया, बहुरूपिया माने जो अनेक रूप धारण कर लेता है। अभी आ गया वो हफ्ते पे रजिस्टर लेके पुलिस वाला बन के, दिखाओ क्या क्या है आपके पास, सब खड़े हो गए, लेकिन जो पहचान गया वो बैठा रहा, आप समझ गए। तो ये जो जीव है, नौ तत्वों के रूप जो हो रहा है, अगर हम उस रूप को पहचान ले लें और उनके बाह्य भेषों पर ध्यान ना दें, स्वभाव को पकड़ ले लें, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम्, कि साहब गजब हो गया, हमने तो बहुत कुछ देखा है, तो जवाब क्या दिया है,
कि जितना जो कुछ भी आपको दिखाई देता है मोह अयम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारियों का मोह है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणाम, पर भावों का कर्ता यह आत्मा है, यह व्यवहारियों का मोह है। वो अच्छा हुआ व्यवहारियों का मोह शब्द यूज किया है। मोह माने नशा, तो वो फिर समझने को तैयार नहीं होगा। और यह सब जटिल विषय नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं, इससे सरल और क्या होगा। आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप जो कह रहे हो ना, लकड़ी की अग्नि, काठ की अग्नि, बांस की अग्नि, चंदन की अग्नि, नीम की अग्नि, रत्न की अग्नि, आप क्या कर रहे हो, आप उनके आकारों की अवस्थाओं की बात कर रहे हो। यदि मैं सच पूछूं स्वभाव की बताओ, तो स्वभाव में क्या भेद है? अग्नि 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 अग्नि। इस शरीर को चंदन की अग्नि में जलाओ या नीम की अग्नि में जलाओ या वहीं से कचरा समेट के ऊपर डाल के जलाओ, अंतिम परिणाम क्या है, उसमें क्या भिन्नता है? चंदन की अग्नि में जलने के बाद शरीर में से सगर शरीर की राख की अगरबत्ती बनेगी, राख राख रहेगी ना भाई साहब। तो अग्नि के स्वभाव में कोई भेद नहीं है। ऐसे कोई बच्चा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई पुरुष दिखता है, कोई स्त्री दिखता है, कोई नारकी दिखता है, कोई त्रेंच दिखता है, ना जाने कितने कितने चीजें दिखाई देती हैं आपको। कहते हैं मोह अयम व्यवहारिणा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। जैसे अग्नि उष्णम स्वयं उष्णम, उष्णात अन्यत, अग्नि उष्ण है स्वयं उष्ण है, उष्णता के अलावा कुछ नहीं करते हैं। देखो पढ़ लेते हैं, समय अपना हो गया है। तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेसी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए, जाहि छिन चेतना शक्ति को विचार कीजिए। जिस क्षण आप चैतन्य शक्ति का विचार करेंगे, ताही छिन अलख अभेद रूप लहिए। इसी पंक्तियों का वो अनुवाद है बाबू युवल जी साहब ने, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। वह चैतन्य रस कैसा है, इसकी विशिष्ट चर्चा अपन आगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। जी सम्यक बुद्धि उपजा।
सो वाणी मस्तक नमो